कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत पे हुआ। इस इजलास के दो सेशन हुए, एक जुमे को और एक सोमवार को। इस इजलास में तय किया गया कि दहशतगर्दी को जड़ से खत्म किया जाएगा और पाकिस्तान की सलामती के लिए किसी किस्म की कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इजलास में ये भी तय किया गया कि दहशतगर्दों के ठिकानों को मुकम्मल खत्म किया जाएगा और पाकिस्तान के एक एक इंच पर पाकिस्तान की अमदारी और रियासत की रेट कायम की जाएगी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की रियासत ने दहशतगर्दों को हर तरीके से निपटने का फैसला कर लिया और वो दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हो या किसी भी मुल्क से ऑपरेट करते हो, उनके खिलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाएगी और उनके ठिकानों में भी घुसकर उनको ख़त्म किया जाएगा। ये पाकिस्तानी रियासत का सबसे बड़ा फोरम है जिसमें पाकिस्तान की काबीना के अरकान, वज़ीर आज़म और मुसलह अफराज के अरकान और सिक्योरिटी के इदारों के नुमाइंदे शामिल होते हैं। तो इस इजलास में जो दहशतगर्दी के हवाले से हालिया लहर पाकिस्तान में आई है और जिसमें हमने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी पुलिस वालों पे हमले हो रहे हैं और CDD कंपाउंड बंदों पर दहशतगर्दों ने कब्जा किया और फिर इस्लामाबाद में भी एक धमाके किया, तो इस तनाजुर में देखा जाए तो ये एक पाकिस्तानी रियासत का अहम फैसला है और इसके फैसले के बाद तो की जा सकती है कि दहशतगर्दों को पता चल रही होगा कि पाकिस्तानी रियासत ने अब फैसला कर लिया है कि किसी भी सूरत में दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी रियासत को सत्य दरपेश चैलेंज में दहशतगर्दी तो अभी एक ताज़ा फैक्टर है, लेकिन इससे पहले सियासी इस्तेहकाम और माशी अदमे इस्तेहकाम जो है वो भी बड़े चैलेंजेस हैं और PTI की हुकूमत के खात्मे के साथ ही मुल्क में जो एजुकेशन का सिलसिला शुरू हुआ था उसने बिल्कुल मईशत को संभलने नहीं दिया। आर्मी सतह पर भी रूस और यूक्रेन जंग दुनिया भर में एक तबराई का बहरान पैदा किया हुआ है और इससे पाकिस्तान भी निपटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के वसाइल महदूद हैं और इसके ज़र मबादा के खैर भी इस काबिल नहीं है कि इस बहरान से पूरी तरह निपटा जा सके। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के ज़रे मबादा के ज़खायर जो हैं वो अफगानिस्तान में तकरीबन $2 अरब से ज़्यादा रकम जो है हर महीने मुंतकिल हो जाती है गैर कानूनी तरीके से और ये कारोबार जो है फल फूल रहा है। पेशावर और बलूचिस्तान में इस कारोबार से मुंसलिक अफराद बड़ी तादाद में डॉलर जो है वो अफगानिस्तान को समर्पित कर रहे हैं। इस सूरतहाल से निपटने के लिए भी पाकिस्तान की रियासत ने फैसला किया है कि अहम इकदाम किए जाएंगे और इस सिलसिले में इकदाम किए जाएंगे। ऐसे ये भी मनी एक्सचेंज कंपनियों के खिलाफ जो कि इस गैरकानूनी कारोबार में मुलव्वस है और इंडिविजुअल के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये सब कुछ तो बॉर्डर से होता है। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान की रियासत ने फैसला किया है कि माशी इस्तेहकाम के लिए भी इकदाम किए जाएंगे और इस सिलसिले में फैसला ये भी हुआ है कि जो अनासर पाकिस्तान की रियासत को माशी तौर पर कमज़ोर करने के लिए अफवाहें फैलाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।